गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के तूफान प्रभावित इलाके कच्छ का करेंगे दौरा। भुज में आला अफसरों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे गृहमंत्री। गुजरात के बाद राजस्थान पहुंची तूफानी हवाएं। बाड़मेर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। बाड़मेर आने जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। मुंबई के पास भायंदर में नाबालिग के जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की खबर। धर्मांतरण न करने पर गोली मारने की धमकी का आरोप। दो आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव। एक शख्स की मौत जबकि एक डीएसपी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल। मीरा रोड मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश। आरोपी मनोज साने पर सरस्वती को जहर देकर मारने का आरोप। पुलिस ने दुकानदार का बयान किया दर्ज। पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बंबीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर जस्सा होशियारपुरिया को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद। मनोहर हत्याकांड पर हिमाचल के चंबा में बढ़ा बवाल। प्रशासन ने पूरे चंबा में 60 दिन के लिए लगाई धारा 144। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे। पहली बार रूस ने बेलारूस भेजे परमाणु हथियार। राष्ट्रपति पुतिन ने की पुष्टि। बोले रूस को खतरा होने पर करेंगे इस्तेमाल। इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।